हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 6 बामोनीज बनाना ट्रीज का क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं आप, वहाँ पूरे बुक का सारे चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है और मैं आपके लिए और अच्छा काम करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइजेस। पहले बुक एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट भी किए थे कि पेमेंट कैसे करना है, वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर ज्वाइन एंड सपोर्ट का एक बटन मिलेगा आपको, तो उसको पे करके मिनिमम फ़ी है, आप पे करके आप उस मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शनल है, आपका इच्छा आप कर सकते हैं। तो ये अरेंज दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो ये मैंने अरेंज कर दिया है और सारा नंबरिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप नंबरिंग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखने के बाद आप रीड कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसे ये क्वेश्चन आंसर है, देन एंजॉइंग द स्टोरी है, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो ये दिया गया है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। बामोनी सीज द एनिमल्स बाय द रिवर एट सनसेट, सनसेट के समय पे वो एनिमल्स को देखती है रिवर पे। द एलिफेंट्स कीप ईटिंग टिल दे आर फुल, एलिफेंट्स खाते रहते हैं जब तक कि उन लोगों का पेट नहीं भर जाता। टिल, यहाँ पे टिल वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे एट यूज़ किया गया है। द एलिफेंट्स रिटर्न टू द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो लोग एलिफेंट जो है फॉरेस्ट में रिटर्न कर जाते हैं। वर्ड सच एज एट, इन, ऑन, टिल, आफ्टर, टॉक अबाउट टाइम, ये सारे वर्ड जो है, ये जो रेड वर्ड्स है, ये सारे टाइम के बारे में बातें करता है ना। एट सनसेट, सनसेट के समय पर, टिल दे आर फुल, जब तक कि पेट ना फुल हो गया, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय पे, तो ये सब टाइमिंग बता रहा है, टाइम के बारे में बातें हो रही है ना, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके। और व्हेन समथिंग हैपेंड, और कब क्या हो रहा है, वो सब ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये देखिए मैंने फिलअप कर दिया। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, संडे के दिन, यहाँ समय बता रहा है, ये जो वर्ड्स है ये सब समय बताएगा आपको कि समय क्या हो रहा है। द फर्स्ट ट्रेन लीव्स एट 6 इन द मॉर्निंग, द शॉप इज ओपन टिल 12 o'clock, है ना। शी फिनिश्ड हर होमवर्क इन 10 minutes, यू मस्ट ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग स्वीट्स, तो यहाँ पे मैच करना है, मैंने मैच कर दिया है, आप इसको एक बार कर लीजिए। ठीक है, ये मैचिंग भी मैंने कर दिया है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है अभी, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, मैंने कर दिया है। लास्ट का जो है, ये दोनों हमें खुद से लिखना है। अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन चाहिए, सर्च ऑफ फूड, कुछ करेक्शन चाहिए मेरे आंसर्स में, मेरा आंसर अगर कहीं पे अगर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सही आंसर कमेंट करके बताइए, ताकि सबको हेल्प हो पाए। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। Where does Bamoni live? Bamoni कहाँ रहती थी? In what way is your house similar to or different from Bamoni? आपका हाउस जो है वो Bamoni के घर से कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है, ये बताना है। Bamoni lives across the river from the national park. Bamoni जो है रिवर के उस पार रहती थी जहाँ पे नेशनल पार्क है। My house is different from Bamoni's house. As I don't have banana trees in the backyard. ये मैंने लिखा है खुद से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि आपका घर बामोनी के घर से मिलता जुलता है या नहीं है या डिफरेंट है, तो आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि आपका घर अगर मिलता जुलता है तो आपको लिखना है कि माई हाउस इज सिमिलर विथ बामोनीज हाउस,
और कैसे सिमिलर है वो आपको बताना भी है। क्या आपके बागान में केले का पेड़ है, आपके घर के पीछे में केला का बागान है, या फिर सामने रिवर है या नेशनल पार्क है, ऐसा कुछ है, तो आपको वैसा सिमिलरिटी दिखा के लिखना है। और नहीं तो आप मेरा वाला भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के पीछे जो है बनाना का जो ये है बागान है वो नहीं है, बनाना ट्रीज का बागान बैकयार्ड में, ठीक है, तो मेरा डिफरेंट है बामोनीज के घर से। हाउ डू बामोनी एंड हर फैमिली यूज ईच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट, बामोनी और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो कैसे बनाना प्लांट को पूरे तरीके से यूज़ करते हैं। बामोनी ईट्स बनाना, सबसे पहले तो बामोनी बनाना खाती है, आप लोग भी खाते होंगे, बहुत लोगों का फेवरेट होता है बनाना, मेरा भी फेवरेट है। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फेवरेट है, आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। हर फादर, बामोनी का फादर, हर फादर यूजेस द लॉन्ग बनाना स्टेम्स टू मेक अ बोट। बामोनी का फादर जो है, पापा जो है, वो बनाना का जो स्टेम होता है, ये बनाना का अगर पेड़ है तो ये बनाना का जो स्टेम है इसको वो कट करके अपना नौका बनाते थे, नाव बनाते थे, ठीक है, और उसको लेके जाते हैं फिशिंग करने के लिए। ओके, हर ब्रदर मेक्स बॉल्स, उसका भाई जो है कटोरा बनाता है फ्रॉम द बनाना स्टेम्स, इसी बनाना स्टेम को कट करके उसका भाई जो है वो बनाना का बॉल्स बनाता है। एंड हर मदर चॉप्स द बनाना ब्लॉसम्स फॉर डिनर, और उसकी मदर जो है वो बनाना का जो फूल होता है, बनाना का जो कली होता है जो लटका हुआ रहता है ऊपर में, आप लोग देखे होंगे बनाना का पेड़ में, उसको कट करती है। चॉप्स करना मतलब कट करना, कट करती है ताकि वो सब्जी बना सके उसका, है ना, उसका एक करी बना सके रात के डिनर के लिए। ब्लॉसम्स का मतलब कली। दे ऑल्सो यूजेस बनाना लीव्स एज प्लेट्स फॉर देयर मील्स, वो लोग बनाना का जो पत्ता है उसको भी यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए एज अ प्लेट, वो लोग प्लेट यूज़ नहीं करते हैं, खास करके साउथ इंडिया में। अगर साउथ इंडिया से आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आनंद आता है, कैसा मज़ा आता है बनाना के लीव्स में खाना खाने में। सच में मैं भी साउथ इंडिया गया हूँ और वहाँ पे बनाना के लीव्स के ऊपर में जब खाना खाया तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का A, हाउ डज ईच पर्सन इन बामोनीज फैमिली हेल्प इन द हाउस, हाउ डज ईच पर्सन इन बामोनीज फैमिली हेल्प इन द हाउस, घर के अंदर, बामोनी के घर के अंदर बामोनी के हर एक फैमिली मेम्बर कैसे मदद करता है। बामोनीज फादर यूजेज द लॉन्ग बनाना स्टेम्स टू मेक अ बोट, यहाँ पे छूट गया है, फॉर फिशिंग, ठीक है, फॉर फिशिंग। उसके बाद हर ब्रदर मेक्स बॉल्स फ्रॉम बनाना स्टेम्स एंड हर मदर चॉप्स द बनाना ब्लॉसम्स फॉर डिनर, ठीक है। उसके फादर, ब्रदर, मदर क्या क्या यूज़ करते हैं और हेल्प करते हैं घर वालों को, घर को कैसे फैमिली को हेल्प करता है वो हो गया क्लियर। हर सिस्टर लेज आउट द बनाना लीव्स फॉर डिनर, उसकी सिस्टर जो है बामोनी की वो पत्तों को, केला का पत्तों को बिछाती है, लगाती है ताकि उस पर डिनर किया जा सके। बामोनी हर ब्रदर एंड हर सिस्टर मेक लॉन्ग बैम्बू टॉर्चेज टू चेज द एलिफेंट्स अवे, बामोनी उसका भाई और उसका सिस्टर जो है वो मसाल बनाते हैं, बैम्बू का टॉर्चेज बनाते हैं, ठीक है, बैम्बू माने जो बांस होता है और उसके ऊपर ऐसा जलता हुआ टॉर्च, जिसको टॉर्च बोला जा रहा, मसाल बनाते हैं, ठीक है, बैम्बू का टॉर्च, और एलिफेंट्स को भगाने का कोशिश करते हैं। एंड दे प्लांटेड सिट्रोनेला ग्रास इन द बैक यार्ड, और वो लोग सिट्रोनेला नाम का एक घास, एक ग्रास जो है वो अपने बैक यार्ड, पीछे के जो बागान है उसमें लगाया, टू गेट रीड ऑफ द एलिफेंट्स, गेट रीड, रीड मतलब छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से सब एक दूसरे का फैमिली का हेल्प करते हैं। नंबर बी, वी आर नॉट टोल्ड हाउ बामोनी हेल्प्स अराउंड द हाउस, हम लोगों को स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि बामोनी घर में कैसे मदद करती है। डू यू थिंक शी हेल्प्स एट ऑल, व्हाट मेक्स यू से सो, आपको क्या लगता है वो घर वालों को हेल्प करती है, घर का हेल्प करती है, आप ये कैसे कह सकते हैं, ये लिखना है। यस वी आर नॉट टोल्ड हाउ बामोनी हेल्प्स अराउंड, ये अराउंड, हाँ हम लोगों को ये नहीं बताया गया स्टोरी में कि बामोनी कैसे हेल्प करती है इन द हाउस, बट आई थिंक शी हेल्प्स हर फैमिली, बट मुझे लगता है कि वो अपने फैमिली को हेल्प करती है। तो कैसे, बामोनी विद हर ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर है, ब्रदर एंड लाइट हो गया है, ब्रदर एंड सिस्टर मेड बैम्बू टॉर्चेस प्लांटेड सिट्रोनेला ग्रास टू कीप द एलिफेंट्स अवे, देखो
बमोनी इतना काम तो करती है, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करती है, घर के लिए ही तो कर रही है, घर के अच्छे के लिए ही तो कर रही है। एलिफेंट्स आते हैं उसके घर के पीछे, जो बागान में जो केला है, केला का पेड़ है, सब खा जाता है, कुचल देता है पेड़ को, ख़राब कर देता है, रात भर इन लोगों को जागना पड़ता है फैमिली को। तो हाथियों का जो आतंक था उससे छुटकारा पाने के लिए उसने दिमाग लगाया। पहला तो बैम्बू टॉर्चेस बनाया और उन लोगों को भगाने की कोशिश किया, फिर सिट्रोनेला ग्रास जो है वो लगाया ताकि एलिफेंट्स उसका जो स्मेल है वो सूंघ करके भाग जाए, है ना, तो काम तो करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू एलिफेंट्स कम फ्रॉम, एलिफेंट्स कहाँ से आए थे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअली मैंने ध्यान से नहीं देखा था और आंसर यहाँ पे लिख दिया था तो जो कि गलत था, ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। वेयर डू एलिफेंट्स कम फ्रॉम, यहाँ पूछा जा रहा है एलिफेंट्स कहाँ से आए थे। वाई डू यू थिंक दे लीव दैट प्लेस, और आपको वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि वो लोग अपने जगह को छोड़ करके यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो कहाँ से आए थे और उस जगह को क्यों छोड़ करके आए थे, ये पूछा गया। तो इसका आंसर यहाँ से है, द एलिफेंट्स केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, वो लोग नदी के उस साइड से आए थे। दे केम हेयर टू ईट बनानाज एंड बनाना लीव्स फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ बामोनीज हाउस, वो लोग क्यों आए थे, वो लोग बामोनी के बैकयार्ड से, बामोनी का जो बागान था घर के पीछे, वहाँ से बनानाज और बनाना लीव्स को खाने के लिए आए थे। दे लेफ्ट बामोनीज, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है यहाँ से, दे लेफ्ट बामोनीज बैकयार्ड ऑल्सो, वो लोग बामोनी का बैकयार्ड में भी नहीं रुके, वो लोग वहाँ से, दे लेफ्ट बामोनीज बैकयार्ड ऑल्सो आफ्टर गेटिंग द स्मेल ऑफ सिट्रोनेला ग्रास, वो लोग उस जगह को भी छोड़ दिए थे जब उनको सिट्रोनेला ग्रास का गंध आया था, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है, आप चाहे तो इस लाइन को भी, लास्ट लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको आंसर जो है इतना काफ़ी है, ठीक है। वो लोग क्यों आए थे ये पूछा गया, भाई वो लोग खाना खाने के लिए आए थे, उनको भूख लगता है ना, उनको जीने के लिए खाना चाहिए, तो वो लोग बनाना को, बनाना लीव्स को खाने के लिए बामोनी के बैकयार्ड में आए थे, ठीक है, और कहाँ से आए थे, तो अक्रॉस द रिवर से आए थे। ओके, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो रिमूव कर सकते हैं, आपको छोटा करना है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ दे नो व्हाट टू डू, ये किसने बोला था, ध्यान है, नाउ दे नो, अच्छा बुक में ये दिया गया है, नाउ दे नो व्हाट टू डू, अब उनको पता था क्या करना है। तो यहाँ पे दे किसको बोला गया, हु आर दे, यहाँ पे दे कौन है, दे आर बामोनी एंड हर ब्रदर, ठीक है, बामोनी और ब्रदर। आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा और याद भी आ गया होगा। बामोनी और उसका ब्रदर जो है, बामोनी ने अपने भाई को, ब्रदर को बोला कि सिट्रोनेला ग्रास जो है वो डिगबॉय ऑयल फील्ड जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है हाथियों को भगाने के लिए। तब यहाँ पे लिखा गया था बुक में कि नाउ दे नो व्हाट टू डू, और अब उन लोगों को पता था क्या करना है, करना क्या है, वही सिट्रोनेला जो ग्रास है वो अपने बागान में लगाना है केला के पेड़ के इर्द गिर्द, ताकि हाथियों को उसका गंध आए और वो भाग जाए, ठीक है, समझ में आया। नंबर 2, व्हाट डू दे नो टू डू, वो लोगों को क्या पता चल गया, क्या करना था। दे अंडरस्टूड दैट दे हैव टू प्लांट द सिट्रोनेला ग्रास टू कीप द एलिफेंट्स अवे, ठीक है, तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि सिट्रोनेला ग्रास जो है उसको प्लांट करना है, उसको लगाना है अपने बैकयार्ड में जो बनाना ट्रीज है उसके चारों तरफ, ओके, ताकि हाथी भाग जाए। नंबर 3, व्हाट वेर दे डूइंग बिफोर, वो लोग पहले क्या कर रहे थे, डू यू थिंक दिस वॉज सेफ, तो इस ये जो आइडिया निकला इससे पहले वो लोग क्या कर रहे थे। दे वेर यूजिंग लॉन्ग बैम्बू टॉर्चेज टू चेज द एलिफेंट्स अवे, वो लोग लॉन्ग बैम्बू टॉर्चेज बना करके एलिफेंट्स को भगाने का कोशिश कर रहे थे। आई डोंट थिंक इट वॉज अ सेफ आइडिया, क्यों सेफ नहीं है भाई, अब बैम्बू टॉर्चेज लेकर के बागान में अगर आप उतर जाओगे हाथियों के झुंड को भगाने के लिए तो डेंजरस तो है ना, कोई हाथी मुड़ करके आके अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको चोट लग सकता है, आपको वो मार सकता है ना, इसीलिए वो सेफ नहीं है। नंबर 6, बामोनी इज नॉट हैप्पी व्हेन द एलिफेंट्स गो बैक विदाउट ईटिंग, व्हाई, बामोनी इज नॉट हैप्पी, बामोनी जो है वो खुश नहीं रहती है जब एलिफेंट्स जो है वो बिना खाए चले जाते हैं, क्यों क्यों वो खुश नहीं थी, आखिर तो हाथी को भगाने के लिए वो लोग सारे तरीके निकाले, आइडिया निकाले, लेकिन हाथी जब भाग गए तब वो खुश नहीं है, क्यों भाई
क्योंकि उसको फील हुआ, ये फील हुआ कि हाथी जो है वो बेचारे खाने के लिए आते थे और भूखे चले गए, अब वो क्या खाएंगे। बामोनी इज़ वेरी काइंड, बामोनी बहुत दयालु थी, एंड शी थॉट अबाउट द एलिफेंट्स फूड, और वो एलिफेंट का खाना के बारे में, खाने के बारे में सोची। दैट्स वाई शी वॉज नॉट हैप्पी, इसीलिए वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो एलिफेंट के खाने के बारे में सोची कि एलिफेंट्स क्या खाएंगे, अब बेचारे भूखे रह जाएंगे। वैन द एलिफेंट्स गो बैक विदाउट ईटिंग, जब एलिफेंट बिना खाए चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको इन हर माइंड ऐसा करके दिया गया है, इज अ हैप्पी पिक्चर, ये आप बुक से भी देखेंगे। डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स, तो उसके माइंड में जो पिक्चर चलता है बामोनी के माइंड में, उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। द पिक्चर कम्स इन द माइंड ऑफ बामोनी एंड शी इमेजिन दैट एलिफेंट्स आर इंजॉइंग देयर मील्स इन देयर ओन प्लेस विद देयर फैमिली, दे डोंट हैव एनी डेंजर देयर। तो उसके बामोनी के दिमाग में क्या पिक्चर चलता है, क्या इमेजिनेशन चलता है, कि एलिफेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जगह पे, अपने घर पे वो लोग पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फीस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इंजॉइंग द मील, और भोजन को इंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पे उन लोगों को कोई डेंजर नहीं है। नंबर बी, डू यू एग्री दैट दिस इज़ अ हैप्पी पिक्चर, वाई और वाई नॉट, क्या आपको लगता है, आप एग्री हैं कि ये एक हैप्पी पिक्चर है सही में। येस आई एग्री दैट दिस इज़ अ हैप्पी पिक्चर, बिकॉज ऑल द एलिफेंट्स आर इंजॉइंग स्पेशल फूड विद देयर फैमिली एट देयर ओन प्लेस विच इज़ वेरी सेफर ऑल्सो। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो है बहुत सही है, हैप्पी पिक्चर है, क्योंकि सारे एलिफेंट्स जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने ही घर पे, अपने जगह पे खाने को इंजॉय कर रहे हैं, और उन लोग बहुत सेफ भी है, कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ रहा उनको। अब इंजॉइंग द स्टोरी से क्वेश्चन देखेंगे। रीड दीज लाइन्स, वाई आर सम वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स, कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में क्यों हैं। सम वर्ड्स आर इन कैपिटल लेटर्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए गए हैं जो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, वो आपको बुक से देख करके कम्प्लीट कर लेना वन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ वर्ड जो है वो कैपिटल में क्यों दिया गया है, तो कैपिटल में दिया जाता है ताकि पता चले, आपका ध्यान जाए कि वो वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर टू, इमेजिन यू आर वन ऑफ द एलिफेंट्स एंड इनएक्ट, आपको एक्ट करने के लिए बोला गया है, और कुछ यहाँ पे मिसिंग है, डॉट डॉट किया है मैंने, तो ये बुक से आप देख लेंगे क्वेश्चन। आप समझिए अपने आप को कि आप उन एलिफेंट्स में से एक हैं, आप भी एलिफेंट हैं, और अब जब वहाँ पे वो सब हुआ, आपको सिट्रोनेला का गंध आया, आप वहाँ से चले गए, तो आपको कैसा फील हुआ, हाउ डू यू फील। डू दीज लाइन्स मेक यू अंडरस्टैंड वाई बामोनी वॉन्टेड टू हेल्प द एलिफेंट्स, और क्या इन लाइन से पता चलता है कि बामोनी क्यों एलिफेंट को हेल्प करना चाहती थी। वेन द एलिफेंट्स स्निफ द एयर एंड टर्न बैक, जब एलिफेंट जो है हवा में खुशबू को लेते हैं, उस गंध को लेते हैं, उस स्मेल को लेते हैं, सूंघते हैं, और वो लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं, टर्न बैक हो जाते हैं, आई थिंक दे माइट फेस्ड एनी इरीटेशन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको कोई इरिटेशन नाक में या फेफड़े में कुछ इरिटेशन हुआ होगा सांस लेने में, या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ होगा सांस लेने में, ठीक है, फ्रॉम द स्मेल, वो जो स्मेल था सिट्रोनेला ग्रास का, एंड दे रिटर्न बैक एम्प्टी स्टमक, और इसीलिए वो लोग खाली पेट वापस चले जाते हैं बिना खाए हुए। येस आई अंडरस्टूड वाई बामोनी वॉन्टेड टू हेल्प द एलिफेंट्स, हाँ मुझे समझ में आ गया है कि बामोनी क्यों एलिफेंट्स का हेल्प करना चाहते थे। शी is very kind hearted, she is very kind hearted and she felt the pain and suffering of the elephants. देखो बामोनी तो बहुत kind hearted थी, बहुत दयालु थी, और उसने feel किया जो elephants है उनके दर्द को, उनके suffering को, कि वो लोग खाली पेट चले गए और उनको नाक में कुछ problem भी हुआ होगा, breathing issue हुआ होगा, तभी वो लोग turn back हो गए। 3 का A, what do these lines tells us about Bamoni, यहाँ पे एक एक line दिया गया है 1-2 करके, और वो लाइन क्या बताता है बामोनी के बारे में, ये हमको आंसर में देना है। व्हाट विल द एलिफेंट्स ईट नाउ, एलिफेंट्स अब क्या खाएंगे, शी आस्क्स हर मदर इन द मॉर्निंग, वो अपने मदर से पूछती है, माने बामोनी पूछती है, तो ये लाइन बामोनी के बारे में क्या बताता है। दिस लाइन टेल्स अस दैट बामोनी इज़ अ काइंड हार्टेड हेल्पफुल गर्ल, ये लाइन बताता है कि बामोनी एक काइंड हार्टेड हेल्पफुल गर्ल है, एक दयालु और मदद करने वाली लड़की है, उसको चिंता हो गया, शी इज़ केयरिंग, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप, She is
केयरिंग, ठीक है, शी इज केयरिंग ऑल्सो, क्योंकि वो हाथियों का केयर कर रही है ना। देन नंबर टू, देन द नेबर्स विल बी इन ट्रबल थिंक्स बामोनी। बामोनी सोचती है कि हाथी तो चले गए लेकिन जो हमारे पड़ोसी है उनका अगर वो धान खा जाएंगे, खेतों में घुस जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगा, वो ट्रबल में पड़ जाएंगे। तो इससे बामोनी का क्या पता चल रहा है, बामोनी कैसी है। दिस लाइन टेल्स अस दैट बामोनी इज अ काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल गर्ल। यहाँ भी आपको वही लाइन लिखना है कि बामोनी एक काइंड हार्टेड है, दयालु है और हेल्पफुल गर्ल है। फिर शी थिंक्स अबाउट एवरी वन इन अ केयरिंग वे, और वो सबके बारे में सोचती है केयरिंग वे में, केयर करती है सबका, है ना, अपने पड़ोसी का भी केयर कर रही है। नंबर थ्री, द फॉरेस्ट रेंजर्स हैव प्लांटेड बनाना सुगर केन एंड पैडी इन द नेशनल पार्क, दैट वॉज बामोनीज आइडिया। तो फॉरेस्ट रेंजर जो है वो बनाना सुगर केन पैडी ये सब नेशनल पार्क में उपजाया लगाया है ना, और वहाँ पे रेडी हुआ सारे जो एलिफेंट्स है वहाँ पे खाने के लिए उनको मिल गया, तो बामोनी का आइडिया यही था, ठीक है। इस इन लाइन से क्या पता चलता है बामोनी के बारे में। दिस लाइन टेल्स अस दैट बामोनी इज अ ग्रेट थिंकर एंड प्लानर। ये बताता है कि बामोनी एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा थिंकर है और प्लानर ही है। प्लानर है मतलब सोचने वाली, गंभीर सोचती है और प्लान करने वाली लड़की है, अच्छे से प्लान करती है। शी थिंक्स प्लान्स एंड वर्क इन अ गुड वर्क गुड वे फॉर एवरीवन। वो सोचती है, वो प्लान करती है और वो काम करती है एक बहुत ही अच्छे तरीके से सब के लिए, है ना। और उसने सोचा, बामोनी ने सोचा और अपने फादर को बताया था कि ऐसा किया जाए, कुछ पेड़ लगाया जाए इन एलिफेंट्स के लिए, और उनके फादर ने फॉरेस्ट रेंजर को बताया, तो फॉरेस्ट रेंजर नेशनल पार्क के उधर वो प्लांट्स लगा दिए, बनाना का प्लांट वगैरह प्लांटिंग कर दिए, तो हाथियों को इधर आना नहीं पड़ रहा, हाथियों को वहीं खाना मिल गया, तो सबका भला हो गया, है ना, बामोनी के वजह से। नंबर बी, हाउ कैन यू बी लाइक बामोनी टेल योर टीचर। ये क्वेश्चन तो जनरली आपको ही करना चाहिए, ठीक है, बच्चों को खुद ही सोचना चाहिए इस बारे में कि आप बामोनी की तरह किस तरह बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं हेल्प करने के लिए हिंट दे दिया हूँ, आप चाहें तो इस आंसर को लिख सकते हैं, इसमें अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, पेरेंट्स से मेरा आग्रह रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि बामोनी का क्या क्या फीचर है, बामोनी का क्या क्या कैरेक्टर है, बामोनी कैसी लड़की है, बामोनी कैसा हेल्प करती है, कैसे दूसरों के लिए सोचती है, दूसरों का मदद करती है, मदद के लिए सोचती है और प्लानिंग करती है ना, आइडिया निकालती है। उस तरह से आप अपने बच्चों को बताइए कि कैसे करके हेल्प करना और हेल्प करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। मैंने जो लिखवाया है ये हिंट के तौर पे लिखवाया, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आई कैन बी लाइक बामोनी बाई गुड थिंकिंग एंड हेल्पिंग एवरी वन। मैं बामोनी की तरह बन सकता हूँ बहुत ही अच्छे थिंकिंग, गुड थिंकिंग और दूसरों को हेल्प करके। आई शुड अंडरस्टैंड द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मुझे सारे ह्यूमंस और एनिमल्स का, इंसान का और एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो किसी का, सबका दुख दर्द को समझना चाहिए। एंड शुड नॉट हर्ट देम, और उन लोगों को हर्ट नहीं, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए कभी भी। कोई भी एनिमल को चोट नहीं पहुंचाओ, बर्ड्स को चोट मत पहुंचाओ, किसी को भी, कोई भी क्रिएचर को या ह्यूमन बींग को किसी को चोट नहीं पहुंचाना, तभी आप बामोनी की तरह बन सकते हो। आई शुड हेल्प देम एज फार एज पॉसिबल। मुझे उन लोगों का हेल्प करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। हाँ, एक चीज़ है, बामोनी और वो लोग एलिफेंट को अपने फैमिली से छुटकारा पाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए, एलिफेंट्स के लिए वो लोग सिट्रोनेला ग्रास का यूज़ किया, ठीक है, लेकिन उससे एलिफेंट्स को तकलीफ भी हुआ। लेकिन एलिफेंट्स को वो तकलीफ हुआ तो इसके बाद बामोनी को बहुत बुरा भी लगा, और बामोनी ने उसके बदले में एलिफेंट्स के लिए सोचा कि उनके खाने पीने का व्यवस्था के लिए उसने दिमाग लगाया है कि नहीं। तो बामोनी सच में बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिमाग भी बहुत अच्छा है और बहुत काइंड हार्टेड है, दयालु भी है, वो हेल्पफुल है, केयरिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिए, और कौन सा चैप्टर अगला चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल का प्लेलिस्ट जो है, इस बुक का जो प्लेलिस्ट है वो आप पा सकते हैं, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको ज्वाइन बटन भी मिलेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप पे करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।